हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिट लाइफ फर्स्ट। आज फिर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सुप्त वज्रासन कैसे करते हैं, जिसे रिक्लाइनिंग हीरो पोज भी कहते हैं। यदि आप बिगिनर हैं तो मैं आपको चार स्टेप्स बताऊंगा, जिन्हें करके आप आसानी से सुप्त वज्रासन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप है वज्रासन। आपको वज्रासन की स्थिति में बैठना है, तो अपने राइट पैर को पीछे इस तरीका से बेंड करोगे और उसके बाद अपना लेफ्ट पैर पीछे की तरफ इस तरीका से लेके जाओगे, और जो आपकी एडी है उसके पास आपका हिप्स रहना चाहिए, आपकी बैक एकदम सीधी और नेक भी आपकी सीधी रहनी चाहिए। अगर इस पोजीशन में आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, कहीं पे नी में या एंकल में कहीं पेन नहीं हो रहा है और आप कंफर्टेबल है, तो आपको दूसरे स्टेप पे जाना है। तो दूसरे स्टेप है आपका ब्रह्मचर्य आसन। उसमें क्या है कि आपने एडी को थोड़ा सा बाहर की तरफ खोलना है और उसके बाद अपने हिप्स को फ्लोर से टच कर देना है, अपने मैट से टच कर देना है इस तरीका से। इस पोजीशन में आप कंफर्टेबल होकर 30 सेकंड से 40 सेकंड या 50 सेकंड 1 मिनट अगर आप बैठ सकते हैं, कोई बॉडी में एंकल में या किसी जॉइंट में पेन नहीं हो रहा है, तो आपको तीसरे स्टेप में जाना है। तो तीसरे स्टेप के लिए आपको इसी पोजीशन रहेंगे और आगे से अपने पैर को थोड़ा सा खोल लेंगे आगे से, और उसके बाद अपना पीछे की तरफ इस तरीका से हाथ से बेंड करना है एल्बो को इस तरीका से। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे होल्ड कर सकते हो आप 30 सेकंड 40 सेकंड। अगर इस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो तो उसके बाद आपको चौथे स्टेप में जाना है। तो उसमें क्या है कि चौथे स्टेप में आपको कंप्लीट करना होता है। उसमें क्या है, अपनी सबसे पहले अपने सिर को टच करोगे इस तरीका से, सिर टच करने के बाद उसके बाद अपना शोल्डर भी टच करोगे इस तरीका से धीरे से, और यहाँ पे आपको होल्ड करना है। हाथ आगे रख सकते हो थाई पे या हाथ को पीछे लेके जा सकते हो इस तरीका से। तो उसके बाद उठने के लिए आपको क्या करना है कि एल्बो को थोड़ा सा पीछे की तरफ करोगे और अपनी एडीए के आसपास अपने फुट को पकड़ के और धीरे से सपोर्ट लेके इस तरीका से आपको ऊपर आना है, और इसके बाद आप थोड़ा एंकल को मूव कर सकते हो इस तरीका से, टोस को मूव कर सकते हो और बटरफ्लाई कर सकते हो, और इस तरीका से अपने जॉइंट को मूव कर सकते हो और शशकासन भी कर सकते हो। सुप्त वज्रासन को करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब आप सुप्त वज्रासन करें तो आपकी बॉडी वार्म अप होनी चाहिए, 5 से 10 मिनट का वार्म अप जरूर करें। यदि आप बिगिनर हैं तो जल्दबाजी ना करें, जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उनको फॉलो करें। पहले आपको वज्रासन की स्थिति में बैठना है, उसके बाद आपको ब्रह्मचर्य आसन की स्थिति में बैठना है, उसके बाद आपको एल्बो बेंड करनी। जिस पोस्चर में, जिस आप स्टेप्स में कंफर्टेबल होता चले जाए, उसके बाद आप धीरे धीरे नीचे जाना है आपको। और तीसरा जो स्टेप्स है मैंने आपको एल्बो बताया, वहाँ पे आप अगर बीच में अपने 2 या 3 पीलो लगा सकते हैं, और उसके बाद उन पीलो को धीरे धीरे, जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, उन पीलो को हटा सकते हैं। पहला पीलो हटाओगे, उसके बाद दूसरा पीलो हटाओगे, फिर तीसरा पीलो हटाओगे, उसके बाद आप सिर और दोनों शोल्डर्स को नीचे टच करके कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा अभ्यास बहुत ज़रूरी है। एकदम करने की ना सोचे, आप अगर सोचे एक दिन में ही करना है तो इंजरी हो सकती है, क्योंकि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है बॉडी में, जो लचीलापन होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। सुप्त वज्रासन के फायदे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके थाई कॉर्ड्स, आपकी नीज, आपका काफ, आपका एंकल, आपकी टोज, आपका स्टमक, आपकी लोअर बैक, आपकी किडनी, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, और आपके जॉइंट, टेंडन, लिगामेंट, सबको मजबूत भी करता है, साथ के साथ उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाता है। ये आपकी नाभि को नहीं डिगने देता और आपके डाइजेशन को भी बेटर करता है, आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, उसको भी कम करने में ये आपकी हेल्प करता है, और आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और आपका कॉन्फिडेंस भी क्रिएट करता है। कितनी बार करना है, आप इसे 2 से 3 बार कर सकते हैं और 20 सेकंड से लेके 1 मिनट या 1.5 मिनट तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।